हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर, राज्यसभा सांसद और सवाई माधोपुर के विधायक किरोड़ीलाल मीणा जुड़ गए हैं। मीणा साहब, आपका स्वागत है बहुत बहुत। ये क्या कह दिया आपने, रिटायरमेंट की उम्र कहाँ है अभी आपकी? पुराने आप इतने बड़े सियासतदान हैं, कहाँ रिटायरमेंट ले रहे हैं, क्या बात हो गई? नहीं नहीं नहीं, मेरी उम्र 72 साल हो गई और हमारी पार्टी में 75 की लाइन है ही, तो आई एम एट द वर्ज ऑफ द रिटायरमेंट। वैसे मेरी काम करने की क्षमताएं अपूर्व हैं, बहुत परिश्रम करता हूँ, लेकिन ये जो मुख्यमंत्री का फैसला है ये पार्लियामेंट बोर्ड तय करता है, माननीय प्रधानमंत्री वो तो हमें भी पता है। मीणा साहब, आपके हिसाब से कौन सा चेहरा राजस्थान में सीएम के तौर पर या सीएम के लिए काबिल है? मैंने आपके चैनल को सुबह बता दिया था, दोबारा बता दीजिए सर एक बार, टू जज द माइंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये बहुत मुश्किल है माननीय प्रधानमंत्री जी के दिमाग को पढ़ना, तो ये जवाब देना भी बहुत मुश्किल है कौन बनेगा। आपके हिसाब से हम ले लेते हैं, वो छोड़ दीजिए, पार्टी को छोड़ देते हैं, सब छोड़ देते हैं। आप ये बताइए कि आपने इतनी लंबी देर तक पॉलिटिक्स देखी है राजस्थान की, कि ये चेहरा बढ़िया ले जा सकता है, आपकी चॉइस क्या है? कोई आपको चांस दे तो आप किसका नाम लेंगे, अपना या किसी और का? नहीं, जिसने भी, देखो ऐसा है, प्रधानमंत्री जी बड़े सरप्राइज देते हैं, इसलिए उस सरप्राइज को प्रधानमंत्री जी जानते हैं। मेरा जैसा साधारण कार्यकर्ता उनके दिमाग की सोच क्या है उसको बता नहीं सकता, और प्रीमैच्योरली कोई ऐसा नाम बताना ठीक भी नहीं लगता, क्योंकि आप जानते हो पार्टी विधायक दल की मीटिंग होगी, उसमें नाम तय होगा, प्रधानमंत्री जी और सेंट्रल लीडरशिप किस नाम को थप्पा ठोकेगी उसको बताया जाना टेढ़ा काम है। मीणा साहब, कुछ साथी आपके अभी बता रहे थे जो चुनकर आए हैं विधानसभा में, जीते हैं चुनाव, वो कह रहे थे 70 विधायक वसुंधरा जी के पास हैं, उनके पास गए हैं, तो ये क्या चल क्या रहा है राजस्थान में? वसुंधरा जी भी, ये वसुंधरा, वो जो विधायक ऐसा कह रहे हैं वो एक ठीक बयान नहीं है। वसुंधरा जी भी कमल के फूल वाली है, 70 भी कमल के फूल वाले हैं, मैं भी कमल को फूल को लेकर जीता हूँ, 115 विधायक कमल के फूल पर जीत के आए हैं, वही हमारे चुनाव का चेहरा रहा है, और सेंट्रल लीडरशिप तय करेगी कौन उन पर 115 में से मुख्यमंत्री बनेगा, यही जवाब है मेरा। राजस्थान में जीत के दो बड़े कारण बताइए जो आपको लगता है कि अगर वसुंधरा का चेहरा नहीं होता तो शायद इतने 115 सीट ना आती। ऐसा कुछ नहीं था, पेपर लीक, 1,12,00,000 बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की सरकार ने, भारी भ्रष्टाचार फैलाया, और आपको पता है कि अब तक गणपति प्लाजा के लॉकरों में सोना भी निकल रहा है, काला धन भी निकल रहा है, और कन्हैयालाल टेलर की हत्या जो हुई आप जानते हो, और बच्चों और किसानों का भविष्य बर्बाद किया, ये मुद्दे थे। भ्रष्टाचार चरम पर था, तुष्टीकरण चरम पर था, और जो जवान थे उनके सारे के सारे पेपर लीक कर दिए थे। अगर तो इतनी सारी, मीना साहब, इतनी सारी समस्याएं थी और आपको लग रहा था कि मैदान साफ है, गहलोत की गारंटियों पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, अगर इतनी स्थिति साफ थी तो सीएम का फेस दे के लड़ना चाहिए था, हो सकता पार्टी को ज्यादा फायदा हो जाता। ना ना ना, हम सर्वत्र पूरे देश में अब तक जो चुनाव हुए हैं सारा मोदी जी के चेहरे पर या कमल के फूल पर लड़ रहे हैं, किसी व्यक्ति के चेहरे पर चुनाव न तो मध्य प्रदेश में लड़ा, न छत्तीसगढ़ में लड़ा, न राजस्थान में लड़ा, चेहरा है एक ही, नरेंद्र मोदी, और कमल का फूल उस पर चुनाव लड़े हैं। आपको क्या लगता है कि कब तक उसी से फायदा हुआ, सरप्राइज कब तक आ जाएगा? अंदर की खबर इतनी तो पता होगी कि सीएम की कुर्सी के लिए कौन काबिल है, कब तक तय हो जाएगा? अरे हमारे यहाँ अनेकों काबिल लोग हैं मुख्यमंत्री बनने लायक, कांग्रेस में तो एक दो ही हैं। बता दीजिए तो ना, हमें दो चार नाम बता दीजिए कौन कौन है। उचित समझेगा केंद्रीय नेतृत्व, अरे आप खुद ही मीडिया पर दे रहे हो, मैं क्या बताऊँ, 7-7, 8-8 नाम मीडिया पर आ रहे हैं, तो उनमें से कोई, या हो सकता है उनमें से भी नहीं हो, कोई प्रधानमंत्री जी नया सरप्राइज दे दें प्रदेश को, देश को, आपको।
ऐसा लग रहा है आपको, ऐसे संकेत आ रहे हैं? पार्लियामेंट भी गए होंगे, चर्चा तो यही हो रही होगी। नहीं, संकेत कोई नहीं। आज आप उतना खुल के बोल नहीं रहे हैं, किरोड़ी लाल जी क्या चक्कर है? नहीं, मैं खुल के बोल रहा हूँ, पुष्कर धामी चुनाव हार गए फिर भी मुख्यमंत्री बना दिए, तो इसलिए मोदी जी हैं, जो करेंगे क्या करेंगे वो पता लगाना मुश्किल काम है, वरना मैं तो खुलकर बोल देता अगर मेरे को जानकारी होती तो। हमें थोड़ा सरप्राइज हुआ कि आपने अपने आप को बाहर क्यों रख लिया, आपने कह दिया कि मैं इस रेस में नहीं हूं, ऐसा क्यों लगा आपको? मेरे को तो, मैं तो बाहर, मैंने कभी, देखो ऐसा है, मैंने तो संघ की शाखा से संस्कार लिया है, जहाँ ये गीत गाया करते थे, नहीं चाहिए पदी असगरमा सभी चढ़े माँ के चरणों पर, हमको तो काम करना, सत्ता में रहें सत्ता से बाहर रहें, रात दिन जनता की सेवा करना, समाज को जोड़ना, समाज को मजबूत करना और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत लोगों को खड़ा करना। आपको लगता है कि जो हिंदुत्व का एजेंडा उत्तर प्रदेश या बाकी जगहों से चल रहा है, राजस्थान में भी उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री का नाम तय होना चाहिए? ना ना, ऐसा नहीं है। अब की बार यहाँ मुद्दे चले थे, बेरोजगारी, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण, यहाँ तक कि गहलोत परिवार भी भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसके प्रमाण मैंने ईडी को दिए थे और वो जांच चल रही है, इसलिए वहाँ हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन नहीं था, सब सरकार के खिलाफ आक्रोश था लोगों में, विधायकों के ने बहुत लूट मचाई 5 साल तक, उनके खिलाफ आक्रोश था, इसके कारण सत्ता का परिवर्तन हुआ है। किरोड़ी लाल जी, क्या आपको लगता है डेप्यूटी सीएम वाला फार्मूला यूपी की तरह यहां भी चलेगा? अब साहब ये कौन बता सकता है, मोदी जी, अमित शाह, ऐसे मत कीजिए। किरोड़ी लाल जी, आप पुराने खिलाड़ी हैं राजनीति के, ऐसे थोड़ा कि आपको कोई संकेत ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, ऐसे मत कीजिए। नहीं नहीं, मैं खिलाड़ी नहीं हूँ, मैं तो किरोड़ी हूँ जो जनता की सेवा में सतत लगा रहता हूँ, खिलाड़ी दूसरे हैं, उनसे कृपया आप पूछें तो सही। वो कौन कौन है जरा उनको बता दीजिए, हमें आसानी हो जाएगी पूछने में। और हमारे यहाँ तो सबसे खिलाड़ी खेल के कप्तान जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, कोई बता सकते हैं? नहीं, जिन खिलाड़ियों की आप बात कर रहे थे, हम उनकी बात कर रहे हैं, मोदी साहब तो कप्तान है आपके। कप्तान है, खिलाड़ी कौन है? और बिल्कुल कप्तान है, आप वसुंधरा जी से पूछ लो ना, वो तो कह रही हैं, वो तो 70 विधायक किस लिए, वो तो साफ संकेत दे रही हैं। मैं तो आप लोगों से जान रहा हूं कि भाई इस दबाव में आला कमान आ जाएगी या नहीं, क्योंकि 24 का चुनाव सिर पर है। वसुंधरा जी ने ये नहीं कहा 70 विधायक मेरे साथ हैं, बीच के किसी विधायक ने इमोशनली कह दिया, वसुंधरा जी शायद ऐसी बात नहीं कह सकती। चलिए, सही बात है, वो ऐसी बात नहीं कह दे सकती, किसी ने मजाक में कह दिया हो या हल्के में कह दिया, लेकिन आज किरोड़ी लाल मीणा जो है वो काफ़ी गंभीर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एबीपी न्यूज़ से जुड़ने के लिए। किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं कि मैं सीएम की रेस में नहीं हूं, लेकिन डिप्टी सीएम वाला ऑप्शन शायद खुला है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।